जम्मू कश्मीर में त्रिशंकु विधानसभा के बाद सरकार गठन के लिए हलचल तेज हो गई है। विधानसभा चुनावों नतीजों के बाद दिल्ली में मंगलवार शाम को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भाजपा की कोर कमेटी की अहम बैठक हुई। इस बैठक में बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह, केंद्रीय मंत्री राजनाथ सिंह, सुषमा स्वराज और अरुण जेटली मौजूद थे। सूत्रों के मुताबिक इस बैठक में जम्मू कश्मीर में सरकार बनाने के विकल्पों पर गहन मंथन हुआ। सूत्रों के मुताबिक जम्मू कश्मीर में सरकार बनाने के लिए भाजपा दो विकल्पों पर विचार कर रही है। आपको बता दें कि पहला फॉर्मूला नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ मिलकर सरकार, जिसमें 25 भाजपा, 2 पीपल्स कॉन्फ्रेंस, 15 नेशनल कॉन्फ्रेंस, 2 निर्दलीय आते हैं, इसके साथ सरकार बनाने का काम है। इस स्थिति में बीजेपी को 2 निर्दलियों की और ज़रूरत होगी, जिनका उन्हें समर्थन मिलने की पूरी संभावना है। वहीं अगर बात की जाए दूसरे फॉर्मूले की, पीडीपी के साथ सरकार बनाने का है। यह डील दोनों पार्टियों के बीच सीएम पद 3-3 साल बांटने के आधार पर हो सकती है, लेकिन सूत्रों के मुताबिक भाजपा पूरे 6 साल तक सीएम पद चाहती है। ऐसे में वह इस स्थिति से बचना चाहती है। खबरों की दुनिया में आइए, हमारे साथ कहीं भी और कभी भी जुड़िए। हम मिलेंगे फेसबुक पर, हम दिखेंगे यूट्यूब पर, हमें फॉलो कीजिए ट्विटर पर। खबरों के साथ बने रहिए रात दिन।